तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स, हम कह रहे हैं कि जो फोर्स है वो बी आई एल साइन थीटा है, करंट कैरिंग वायर फोर्स एक्सपीरियंस करती है, तो उस फोर्स की क्या निकालनी है, डायरेक्शन निकालनी है कि कैसे लगेगी। इसके लिए अगर आपका मैग्नेटिक फील्ड और वायर की लेंथ 90 डिग्री पे है, तो मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर लेंथ के साथ, और आप फोर्स की डायरेक्शन निकालना चाहते हो, आप फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगा दो। जैसे आप मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल में लगाते हैं, तो लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है, बी ऊपर है, करंट राइट है, फोर्स कहाँ है, बाहर है। सेंट्रल फिंगर रिप्रेजेंट क्या था, डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज या डायरेक्शन ऑफ करंट, एक ही बात है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन करंट के ऑपोजिट होता है, तो पॉजिटिव चार्ज करंट के साथ होता है। तो बी बोर्ड के ऊपर है, करंट जो है वो सेंट्रल फिंगर, फोर्स बाहर है, तो फोर्स यहां पर क्या आएगी, आउटसाइड आएगी। तो क्या ये स्टेप सबको क्लियर है? तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल सेम वही काम करेगा जो मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल पे करता था। बस मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल पे सेंट्रल फिंगर रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, और इसके अंदर क्या होगा, इसमें अगेन फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ कंडक्टर। लेकिन बाय चांस अगर ये परपेंडिकुलर ना हुआ तो अब क्या करें? कोई कहता तब भी फ्लेमिंग का रूल लगा दो। मैंने कहा कैसे? कहता देखो जी, बी ये रहा, करंट अभी भी इधर है, फिंगर में 90 मत बनाओ, ऐसा बना लो, छोटा बना लो, और फोर्स बाहर रखो। अभी फोर्स टेक्निकली गलत है, फ्लेमिंग ने 90 डिग्री पे बोला था, तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल इस पे लग नहीं पा रहा, क्योंकि परपेंडिकुलर है नहीं। तो फिर अगर नहीं लग पा रहा, आपको फॉर्मूला पता है फोर्स का, आई इंटू एल क्रॉस बी, आपको वेक्टर का चैप्टर आता है प्लस वन में, आप राइट हैंड स्क्रू रूल यूज कर लो, जैसे नॉर्मली आई क्रॉस जे के लिए करते थे। कैसे? राइट हैंड लो, एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करना है, तो एल वेक्टर कहां पर है, ये रहा, बी वेक्टर कहां पर है, यहां पर। तो आप क्या करेंगे इसमें, एल क्रॉस बी में ये फिंगर चार एल है और ये बी है, तो एल क्रॉस बी, फोर्स कहां गई, बाहर। तो कोई कहता है यार फ्लेमिंग भी तो वही कर रहा था, अगर फ्लेमिंग का रूल टेक्निकली गलत है और मैं ऐसा लगा भी रहा हूं कि ये बी है और ये मेरा करंट है, ठीक है 90 नहीं बनता ना बने, बोर्ड के बाहर तो थंब आ रहा है, हाँ तो आ रहा है, लगाओ, पर टेक्निकली गलत है, लगा नहीं सकते, राइट, क्योंकि फ्लेमिंग को पसंद नहीं कि ऐसे एंगल ऐसे लेना। और प्रॉब्लम फ्लेमिंग को तब आएगी जब एंगल 140 होगा। कैसे बनाओगे 140? उंगली मोड़ोगे? अच्छा 170 होगा, अब क्या करोगे? तो उसने कहा रहने दो, 90 पे लगा लो, कहीं उंगलियां उंगलियां टूट जाएं तो तुम अपना वेक्टर लगा लेना, और कोई चक्कर नहीं, अगर मन में लगाना है मेरा नाम मत लेना, सर ने कहा कि फ्लेमिंग लगाओ, मैंने नहीं कहा फ्लेमिंग लगाओ, चुप कैसे लगाना है। तो ठीक है, बंदा कहता है यार वही ये रहा बी, ये रहा है, और हाँ ठीक है फोर्स बाहर आ गई, आंसर सेम ही आएगा। पर मैंने आपको नहीं सिखाया, मैंने आपको सिखाया कि फ्लेमिंग का रूल 90 डिग्री पे लगता है। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट इसमें?